हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का प्रिंसिपल, उसकी प्रोसीजर और लास्ट में हम इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट एंड फोरेसिस मीन्स द सेपरेशन, मीन्स इट इज द टेक्निक विच इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। मतलब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके सेपरेशन के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। जो मॉलिक्यूल्स है वो आइदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इनमें प्रोवाइड किया जाता है जेल में, तो जेल इसीलिए इस टेक्निक को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक बोलते हैं। हम शुरू करते हैं टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इस टेक्निक में हम जेल का यूज करते हैं। जेल वो आइदर एगारोज जेल और पॉलीक्रेमाइल जेल होता है। एगारोज जेल जो होता है एगारोज जेल में से जो लार्ज पोअर साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि डीएनए और आरएनए, वो एगारोज जेल में से पास होते हैं। मतलब उनकी जो पोर साइज है वो लार्ज होती है। और दूसरा पॉलीक्रिलामाइड जेल, इसकी जो पोर साइज होती है वो स्मॉल होती है, स्मॉल पोर साइज होती है। इनमें जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स और स्मॉल साइज के डीएनए और आरएनए, स्मॉल साइज के डीएनए और आरएनए इस पॉलीक्रिलामाइड जेल के पोर्स में से पास होते हैं। तो इसके लिए हमें सैंपल लगता है, जो पर्टिकुलर हम डीएनए का सैंपल लेते हैं, डीएनए के सैंपल के साथ हमें एगारोज जेल का प्रिपरेशन करना होता है। तो हम देखते हैं कि एगारोज जेल का प्रिपरेशन कैसे होता है। एगारोज जेल का प्रिपरेशन करने के लिए हमें टी ए ई और टी बी ई नाम के बफर होते हैं। TAE और TBE नाम के दो बफर होते हैं। इनका केमिकल कंपोजिशन हम देख लेते हैं। टी मतलब ट्रेस बेस, ए मतलब एसेटिक एसिड और ई मतलब उसका कंपोजिशन जो होता है वो 0.5 मोलार EDTA होता है, EDTA। और इसका जो पीएच होता है वो पीएच नियर अबाउट बेसिक पीएच होता है, लाकि 8 के आसपास होता है। और इसका कंपोजिशन हम देखते हैं, ट्रिस बेस बोरिक एसिड और 0.5 मोलार ईडीटीए। और इसमें जो ईडीटीए है, ये ईडीटीए एक चिलेटिंग एजेंट है, मतलब मैग्नीशियम आयंस को ये चिलेट करता है। हम देखते हैं जो ये सैंपल हमने प्रिपेयर किया है, ये पूरा सैंपल एक कास्टिंग ट्रे होता है, कास्टिंग ट्रे। जो भी हमने एगारोज जेल का सैंपल किया है वो कास्टिंग ट्रे में इंसर्ट किया जाता है। तो हम देखते हैं कैसा किया जाता है। कास्टिंग ट्रे के अंदर कुछ कॉम्स होते हैं, जैसे कॉम्स कास्टिंग ट्रे होता है। और जो भी एगारोज जेल होता है वो मार्केट में पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हमने देखा है कि टीएई और टीबीई नाम के दो बफर सॉल्यूशंस होते हैं, उन बफर सॉल्यूशन के साथ हम इस एगारोज जेल पाउडर को डिजॉल्व करते हैं। डिजॉल्व करने के बाद उसे माइक्रोवेव में लगभग 2 मिनट के आसपास बॉइलिंग किया जाता है।
उसे बॉईल करने के बाद में उसे मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का तो 100 डिग्री, हम 80 to 90 डिग्री तक उसे बॉईल करते हैं, और बॉईल करने के बाद वो जब ठंडा हो जाता है, कूल डाउन होता है लगभग 50 डिग्री तक, 50 डिग्री तक कूल डाउन होने के बाद जो, तो इसके अंदर हम डीएनए का सैंपल इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करते हुए एक याद रखना कि जो टेलीमेल है उसे डीएनए लैडर कहते हैं, डीएनए लैडर एक कंट्रोल का सेट होता है ये। और हमेशा याद रखना कि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसे इस कास्टिंग ट्रे में इंसर्ट करते वक्त हम नेगेटिव मतलब कैथोड होता है, कैथोड की साइड पर डीएनए का सैंपल इंसर्ट करते, और ये जो साइड है वो एनोड की साइड है। एनोड मतलब डीएनए को जब हम कैथोड में इंसर्ट करेंगे तो जब हम इसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे इस कास्टिंग ट्रे में वोल्टेज मीटर की मदद से, हम इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो डीएनए जो पॉजिटिवली चार्ज जो यहाँ पर है नेगेटिवली चार्ज से पॉजिटिवली चार्ज तक रन होना शुरू हो जाएगा, डीएनए का बैंड जो है नेगेटिव से पॉजिटिवली चार्ज तक रन होना शुरू कर देगा। और इसमें जो हम करंट प्रोवाइड करते हैं वोल्टेज मीटर से, और इसमें जो हम करंट प्रोवाइड करते हैं वो 80 to 150 वोल्ट तक होता है, और ये जो वोल्ट प्रोसेस है वो नियर अबाउट 1 to 130 मतलब 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसमें जो मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, जो देखिए डीएनए का एक यहाँ बैंड होता है, डीएनए का एक बैंड है, एक दूसरा बैंड है, ये बैंड, तो जो भी डीएनए का बैंड जिसकी साइज स्मॉल होगी वो सबसे पहले मतलब फास्टेस्ट रन होगा। इसके बाद ये पूरी प्रोसीजर हो जाने के बाद जो सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन होता है उसके वॉशिंग के लिए हम ETBR यूज़ करते हैं। ETBR मतलब है इथिडियम ब्रोमाइड, एक इंटरकैलेटिंग एजेंट है जो कि डीएनए के बैंड में इंटरकैलेट मतलब उनमें इंसर्ट हो जाता है। डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक जी डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, तो उनमें एक इंटरकैलेट होता है, इंटरकैलेटिंग एजेंट होने की वजह से। तो जब ये सैंपल हम यूवी लाइट में जब विजुअलाइज करते हैं तो ये क्लियरली दिखता है इसे, मतलब इस डीएनए में क्या है क्या नहीं तो ये हमें क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं। और यूवी लाइट में जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो बहुत कम होती है, और बहुत कम टाइम के लिए केयरफुली इस सैंपल को वहाँ देखा जाता है। बात जब हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं तो उस सैंपल में हम लोडिंग डाई का इस्तेमाल करते हैं। लोडिंग डाई का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो जब ये जो डीएनए के जो बैंड से एक पर्टिकुलर कलर से हमें विजुअलाइज होते हैं, मतलब ये इधर में दिखा रहा हो कि एक ब्लैक कलर का बैंड है, तो किस डीएनए का बैंड जो होगा वो रेड कलर का होगा, तो ये बैंड हमें इजीली नोन मतलब इजीली दिखना चाहिए, इसीलिए उसे हम लोडिंग डाई भी इंसर्ट करते हैं जब सैंपल का प्रिपरेशन किया जाता है। और उसके बाद में ग्लिसरॉल का इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि ग्लिसरॉल एक विस्कस फ्लूड है, विस्कस फ्लूड होने की वजह से जब डीएनए के बैंड इसमें जब सैंपल हम इंसर्ट करते हैं तो ये फिसल भी जा सकता है, मतलब एक रेंज है, पूरी एक रेंज है, तो इसमें से जो डीएनए का बैंड यहाँ पर जो रन हो रहा है तो बाहर भी जा सकता है। विस्कस फ्लूड ऐड करने के वजह से, ग्लिसरॉल का ऐड करने की वजह से ऐसी कुछ परेशानी होगी नहीं, इसीलिए हम लोडिंग डाई और ग्लिसरॉल जब सैंपल प्रिपेयर करते हैं तब इसमें इंसर्ट कर देते हैं। जेल इलेक्ट्रोपोलिसिस की कुछ एप्लीकेशन है, उनमें पहला एप्लीकेशन टू एनालाइज द पीसीआर सैंपल, पीसीआर सैंपल की जो एनालिसिस होती है, एनालिस मतलब पीसीआर सैंपल को एनालाइज करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोपोलिसिस यूज़ करते हैं इससे, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी ये यूज़ होता है, जबकि फॉरेंसिक्स में क्रिमिनल को
पकड़ने के लिए, क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें भी ये यूज किया जाता है। उसके बाद में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स और पैटर्निटी मैचिंग, मतलब ब्लड रिलेशन वगैरह, पेरेंट्स रिलेटिव्स इन्हें पता करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज की जाती है। तो आज इस वीडियो में हमने देखा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल, उसकी प्रोसीजर, उसके जो भी एप्लीकेशंस हैं हमने इस वीडियो में देखे। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।